राम राम बे सारी बहना ना काकी ताया ना सारी यूट्यूब फैमिली ना आज जोड़कर राम राम आप सबका आपके अपने चैनल स्मित्रा शोकन में तहे दिल से स्वागत है बे। किसे हो आप सब? ठीक ठाक होंगे सारे? कई दिन हो गए थे बे आए, तो बताया भी था मैंने कल वाली परसों वाली वीडियो में बे बुआ का छोरा गुजर रहा है, आज 8-9 दिन हुए हैं, तो इस करके नहीं बे किसी की ना वीडियो देख पा रही ना आन पा रही थी, मतलब वीडियो बना भी नहीं पा रही थी। तो वे सोचा मखा आप सब गला चल बात कर लूँ थोड़ी सी, और ठंड आ गई है, सर्दी आ गई है, मैंने तो स्वेटर निकाल ली है पहन लग गए हाँ, और ये सूट भी आधी बाजू का है ज्यादा भी पहन ली, और वे आधी बाजू का सूट पर मेरा एक बात याद आएगी। एक बेबे ने एक दिन कमेंट करा था कि आप सारे सूट पूरी बाजू के पारो हो के, तो मैंने उसका कमेंट का जवाब मतलब बता दिया था उसका कमेंट में ही रिप्लाई करके, तो फिर सोचा चल आज थोड़ी सी बात भी कर लेंगे इस बार ना, आप सब तक बात हो जाएंगी और थोड़ी सी वीडियो भी बन जाएगी, क्योंकि यू भी अपना काम में है जब आप मतलब यूट्यूब पर आए हाँ बनाने लग गए हैं, यो एक काम ही है यू भी आप छोड़ नहीं सकते, और फिर एक दो दिन वीडियो ना डालना तो फिर WT कटन लग जा है बे, मेरा वो उस टाइम थोड़ा हा रह रहा है मतलब पूरा होने में, और ये मैंने 5-6 दिन कोनी वीडियो डाली तो मेरा 10-12-13 घंटे वो उस टाइम कट गया, तो सोचा चल थोड़ी सी बना लें जितनी भी बनाएगी आप गले बात कर लें और पूछ लें आपकी बता दें अपनी, और एक बात बताऊंगी बे इसे बात पर शायद आप सबने सुन भी रखी होगी, वह एक बाप बेटी की सच्ची बात है वे, शॉर्ट छोटे कपड़े पहन पे, और मैं तो भाई पूरी बाजू के ही पारे करूँ हूँ, आदियाँ का कोनी पार दी या मतलब जो नो नहीं भाई सूट कटने के बाद बेरा लगा इसकी पूरी बाजू नहीं होती तो उसकी तो करवानी पड़ा मजबूर है, यो सूट भी मैं घर तय सिलवा के ले आई थी, बाबी सिमे करा है उसकी काटिया पीछे फिर देखा कि पूरी बाजू को नहीं होती सूट की, तो आधी हो गई थी, आधी इतनी सी करवाया करूँ, आधी भी मतलब नू नहीं है बिल्कुल छोटी, और वे मरना तो पसंद नहीं है, बाकी वे देखा हाँ यूट्यूब पर भी देखा हाँ उन भी देखा हाँ, बहुत सी बहन है मतलब पा रहे हैं यूट्यूब पर भी वीडियो बना हुए हैं मतलब स्लीवलेस भी पा रहे हैं, तो वे मरना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और एक बाप बेटी की बात सुनाऊंगी वे उसका आप सबने सुन रखी, और जिसकी सुन रखी हो पहला वो जरूर बताइयो कमेंट करके, पूरी वीडियो देख कर कमेंट करके जरूर बताइयो किस किसी ने सुन रखी है यह बात, तो वे किसे का मतलब एक बहुत ही लाड लड़ाई हुई प्यारी मतलब बेटियां तो वह प्यारी हैं वे सभी की, और उसका इकलौती बेटी थी वह एक पिता का, तो वे वह महंगे महंगे तो कपड़े पारे कर दी बिल्कुल मतलब स्लीवलेस छोटे छोटे शॉर्ट कपड़े पहरे कर दी, तो उसके पापा ने बोला उसने कई बार कि बेटा ऐसे अच्छा नहीं लगता, आप महंगे चाहे कितने भी ले लो इससे भी महंगे ले आओ, फिर मतलब इसे कपड़े ले लो जो तंडा क्या रहा है सूत्रे लागे, तो बेटी माननी कौनी वे बहुत बार समझाई फिर कौनी माननी, तो एक दिन उसके पापा उसके लिए फ़ोन ले आए आईफोन मतलब 20-25 हज़ार का बढ़िया वाला फ़ोन ले आए, तो बेटी तो दे दिया देखो बेटा तेरे लिए फ़ोन लेकर आया, तो बेटी तो दे दिया बे बेटी बहुत खुश हुई फ़ोन देख कर, तो फिर उसकी बेटी बोली पापा आप फ़ोन तो ले आए इतना महंगा बढ़िया वाला बहुत पसंद आया मेरा, फिर इसका कवर को नहीं मंगाया आपने, तो उसके पापा बोले कि बेटा कवर की क्या ज़रूरत है, फिर आपका फ़ोन दिखेगा किसने और आपके फ़ोन की रेपुटेशन ही कम हो जाएगी अगर आप इस पे कवर चढ़ाओगे, तो वैसे ही ठीक है अच्छा लगा है सुंदर है सबको दिखेगा, तो बेटी बोली नहीं पापा मेरा फ़ोन गिर गया तो टूट जाएगा स्क्रैच आ जाएगा फ़ोन में ख़राब हो जाएगा मेरा फ़ोन धूल मिट्टी से भी वैसे भी, तो मैंने तो कवर तो ज़रूर चाहिए इसका
कवर जरूर चाहिए। तो पापा बोले कि बेटा आप मतलब इस 20 हज़ार 25 हज़ार के फोन को कवर करके रखना चाह रहे हो कि खराब नहीं हो जाए मेरा फोन, स्क्रैच ना आ जाए। ओ तो पापा बोले कि बेटा मेरे लिए आप अनमोल हीरा हो, और अगर आप को मैं बोल रहा हूँ आपकी इज्जत को मतलब कि भी आप ढक के रखो, इसीलिए तो मैं समझाया करता आपने कि भी इज्जत ढकी हुई अच्छी लगा है, आप अपने तन को पूरा कवर करके रखो। तो आपने कभी मेरी सुनी नहीं, और आप देखो अब छोटे से 10-20 हज़ार के फोन के लिए कवर की डिमांड कर रहे हो, ये आपको इतना प्यारा लगा है तो मेरे लिए मेरे को आप इससे भी ज्यादा कहीं ज्यादा प्यारे हो, आपकी इज्जत अनमोल है, आप अनमोल हो। तो वे बेटी के बोला, बस उसकी आंखें में आंसू थे और कुछ नहीं था, आंसुओं के अलावा पश्चाताप कर रही थी बेटी। तो वे यहाँ पे मतलब अगर अपना बड़ा अपना तक कोई कुछ बात कहवे है समझावे है तो वे एक बार सोचना तो जरूर चाहिए उस बात पे, अमल करो जरूर करो और सोचो जरूर एक बार के आपके फायदे के लिए ही कहवे है बड़े, अगर कुछ कहवे है तो आप बताइयो वे आपने किसी लागी मेरी यह बात, और किस किस ने सुन रखी थी, सुन रखी होगी तकरीबन सबने। तो बाकी आप सबकी अपनी अपनी सोच अपनी अपनी मर्जी है वे, बाकी कौन मेरी बात पे सहमत है कौन नहीं वो अभी बताइयो। देखो समझा हाँ वे थोड़ा सा कि भी मॉडर्न है, पहन लो कोई दिक्कत नहीं, पैंट शर्ट जींस टॉप मतलब आजकल बच्चे पा रहे हैं तो फुल बाजू में ऐसे भी मतलब डंग के कपड़े भी बहुत महंगे, कितने भी महंगे ले लो अगर महंगा ही दिखाना है तो, और इज्जत से बड़ा कुछ नहीं है वे, अगर इज्जत ही नहीं है तो कितने भी महंगे चाहे 10 हज़ार के 20 हज़ार के 1 लाख का कपड़ा पहन लो तो कोई फायदा नहीं उस कपड़े का, और अगर इज्जत है तो चाहे 100 रुपयों का पहन के निकल लो उसमें भी मतलब बंदा बढ़िया लगेगा और सभी वाह वाह करेंगे। तो आप भी बताइए वे आपने मेरी बात, आप कितने सहमत हो, और मैं तो देखे होंगे तकरीबन आपने वे मैं पूरी बाजू के ही पा रहा हूँ, और बस आधी का एक आधी हो जाए अगर ना बने तो, वरना तो पूरी बाजू के ही सूट मिलेंगे मेरे तो। और वे अगर आप अपने बड़ों के सामने मतलब पल्ला करा हाँ सिर पे चुन्नी रखा हाँ पल्ला करा हाँ तो इसमें मतलब शर्म वाली बात नहीं है वे, बल्कि सामने वाले की इज्जत और बड़ा है, वो भी मतलब ये देखा है हाँ भी तेरी इज्जत है इज्जत करे हैं, तो ये अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत के लिए ही करे कर दे वे पर्दा, वो है जो अपने चला रखे हैं शुरू तय, और ईद भी है मैं तो करूँ वे ईद भी अपने जेठ से मतलब जो भी बड़े हैं घर में तास पिचरे अड़ोस पड़ोस में जो भी बड़ा लगा है तो, और बाहर भी हूँ भी जावा हाँ तो घूंघटे करके जावा हाँ, और बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं होती वे के सिर पर चुन्नी रखी है घूंघट करा है तो शर्म आओ ना, कोई शर्म नहीं वे, अपने बड़ों की इज्जत करो और इज्जत पाओ तो नू ना सोचा करो मतलब शर्म महसूस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए इस बात में। और बाकी आप बताइए वे, राम राम, जय भारत, जय हरियाणा।